तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे दो रील अपलोड किया था, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था जो कि नागालैंड फर्स्ट वाटर पार्क का, बोले तो एक्वालैंड, तो उस ब्लॉग पर बहुत ही मतलब नेगेटिव कमेंट आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा एक रील और इधर रहा एक रील, जो कि एक में व्यूज है 110K और दूसरा में है 239K। मतलब व्यूज जो आया वो अच्छा खासा आया, उसके लिए तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। ये कोई नाजिन 9482 ऐसा कोई यूजर है जो कि डीपी में तो कोई लड़की का फोटो है, उन्होंने कमेंट पे क्या लिखा है, नागालैंड पे चले तो जाएंगे लेकिन वापस आने का गारंटी आप लेगा क्या? क्यों यहाँ पे आने से कोई आपको मार देगा क्या? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि कई जगह का अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो पहले पूरा इंक्वायरी कर लेना चाहिए और उसका बाद ही बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसा कि देखिए नागालैंड पे जो रह रहे, कोई क्या हमें मार रहा है पीट रहा है? बात जो कमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है पागल औरत, ये तो थोड़ा हंसने वाला बात हो गया। उसका बाद देखिए, जो फर्स्ट कमेंट किया था जिसने, उसी ने रिप्लाई क्या किया, एक्चुअली मेंटेलिटी ऑफ योर बेबी, तो हमारा जो मेंटेलिटी है वो गलत बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे दो रील अपलोड किया था, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था जो कि नागालैंड फर्स्ट वाटर पार्क का, बोले तो एक्वालैंड, तो उस ब्लॉग पर या फिर बोलिए उस रील पर बहुत ही मतलब नेगेटिव कमेंट आ रहा है। तो इसीलिए मैं आज का इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, और मैं क्यों ब्लॉग को बना रहा हूँ वो ब्लॉग पूरा देखने से आप लोग को पता चल जाएगा। बस ब्लॉग आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। हमारा नागालैंड लेके काफी सारा बात हो रहा है उस ब्लॉग पर या फिर उस रील पर, तो नागालैंड कैसा है क्या है नहीं है वो हम सभी को पता है जो नागालैंड पे रहते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। और आज की ब्लॉग शुरू करने से पहले, जो कोई भी नया हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिलने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि YouTube पे मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था और Instagram पे रील, तो उस पर काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहा है। अब क्या कमेंट वो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, मैंने मोबाइल हाथ पे ले लिया और साइड पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपना नाम को सर्च कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये फोन जो है वो है राहुल का, तो उसी का फोन पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जैसा कि मेरा इंस्टाग्राम इधर पे ओपन हो चुका है, और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, बस आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, मैं उस रील पर पहले चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा एक रील और इधर रहा एक रील, जो कि एक में व्यूज है 110K और दूसरा में है 239K। मतलब व्यूज जो आया वो अच्छा खासा आया, उसके लिए तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और जो कमेंट का मेन बात है, मैं क्योंकि ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मेन कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो चलिए पहले मैं वीडियो को ओपन करता हूँ और फिर मैं आगे बात करता हूँ आप लोग से। तो चलिए, मैंने जैसे कि वीडियो को ओपन किया और ये आप लोग देख सकते हैं जो कि 194 कमेंट आया हुआ है। तो जैसा कि देखिए, कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के जरा सुनाता हूँ। ये कोई नाजिन 9482 ऐसा कोई यूजर है जो कि डीपी में तो कोई लड़की का फोटो है, उन्होंने क्या कमेंट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नागालैंड तो चला जाएंगे बट जिंदा आने का गारंटी कौन लेगा भाई। उस कमेंट पर काफी ज्यादा रिप्लाई किया हुआ है लोगों ने, मैंने रिप्लाई नहीं किया, काफी ज्यादा लोगों ने रिप्लाई किया। हाँ, उस रिप्लाई को मैंने काफी ज्यादा लाइक किया हुआ है। पहला जो कमेंट है वो आप लोग देखते हैं, चेंज योर मेंटेलिटी, जो कि सही बात है, क्योंकि कई जगह का अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो पहले पूरा इंक्वायरी कर लेना चाहिए और उसका बाद ही बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसा कि देखिए नागालैंड पे जो रह रहे, कोई क्या हमें मार रहा है पीट रहा है कुछ तो नहीं, हम लोग एकदम आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो आजादी का देश है, आप सभी को पता है, सब अपना अपना राज्य पे जी सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी जो जी रहे हैं नागालैंड पे एकदम बिंदास जी रहे हैं। लेकिन इधर पे जो कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कमेंट पे क्या लिखा है, नागालैंड पे चले तो जाएंगे लेकिन वापस आने का गारंटी आप लेगा क्या? क्यों यहाँ पे आने से कोई आपको मार देगा क्या? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो इधर पे रह रहे हैं, क्योंकि हम भी प्लेन से ना, हम तो नागा है नहीं, लेकिन हम लोग तो एकदम बिंदास रह रहे, कोई इश्यू तो है नहीं। और बाकी जैसा कि देखिए, दूसरा कमेंट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, लॉल सिस्टर, नागालैंड इज 100 times सेफ देन योर स्टेट एंड मिडलैंड ऑफ इंडिया, जो कि काफी अच्छा कमेंट किया है, मैं बेस्ट बोलूंगा। तो जैसा कि देखिए, उसका बाद जो कमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है पागल औरत, ये तो थोड़ा हंसने वाला बात हो गया। उसका बाद देखिए, जो फर्स्ट कमेंट किया था जिसने, उसी ने रिप्लाई क्या किया, एक्चुअली मेंटेलिटी ऑफ योर बेबी, तो हमारा जो मेंटेलिटी है वो गलत बोल रहा है, और वो जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसका बात देखिए, जो रिप्लाई आया, ये कोई जमीर बोल के है, जैसे कि उन्होंने लिखा है, 100% गारंटी देट यू एट दस
सेट प्लेस एट द मोमेंट, जो की बेस्ट लिखा है मैं बोलूंगा, तो जो कि आप एकदम बिंदास आओ, कोई इशू नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि नागालैंड पे कभी कोई गलत चीज नहीं हुआ या कभी कोई गलत चीज नहीं होता है। अब लाखों पे अगर एक कभी गलत हो जाता है तो उसको हम लोग गलत तो मान नहीं सकते। हाँ गलती तो गलती होता है, क्योंकि जो भूल होता है वो तो इंसानों से ही होता है ना, तो कभी कभार कोई भूल हो ही जा सकते है। उसका बाद वाला रिप्लाई आप लोग देखते हैं, फिर नागालैंड इज द सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया, ओके सिस्टर। चलो उन्होंने भी अच्छा लिखा है। दोस्तों ये और एक खतरनाक कॉमेंट आया जो कि आप लोग देख सकते हैं, मीना 27 बोल के, इस पे भी किसी मतलब लड़की का ही फोटो है। उन्होंने क्या लिखा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नागालैंड में वहाँ का लोग बदतमीजी बहुत करते हैं, कौन जाएगा, थोड़ा दिन में ही बंद हो जाएगा। तो सिस्टर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको किसी ने इन्वाइट तो किया नहीं है, तो अगर आपको आना नहीं है तो प्लीज आप लोग गलत चीज स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो चीज पता नहीं है वो चीज के बारे में फालतू फालतू का कॉमेंट मत कीजिएगा। थैंक यू। और बाकी जैसा कि देखिए, इस पे काफी ज्यादा अच्छा अच्छा कमेंट लोग भी है, जैसा कि काफी अच्छा मैंने वीडियो बनाया या फिर जगह काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, इन सब कमेंट के लिए तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ऐसा कमेंट करने से पढ़ के भी अच्छा लगता है और आप लोग भी ऐसा कमेंट करते रहो, मैं भी पूरा पढ़ता हूँ लेकिन आप लोगों का कमेंट। हाँ ये हो सकता है कि मैं सब कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं उतना रिप्लाई भी करता हूँ और उतना मैं पढ़ता भी हूँ, तो इसलिए मैं मतलब अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग डाला फुल अपडेट का लिए, जैसे कि मैंने जो ब्लॉग डाला था उस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि वो कब खुलेगा, वो कहाँ पे है, या फिर उस पर क्या क्या है, या फिर उस पर घुसने का परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो हर चीज का तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना के मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वो ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज का जो वीडियो था, बस मैंने इसलिए बनाया था कि ये कमेंट जो लोग कर रहे हैं ये गलत कमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा देखिए, कोई अगर गलत स्प्रेड कर रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम लोग उसका रिप्लाई तो दे सकते हैं। बस इसलिए मैंने आज का ये ब्लॉग को बनाया, और जैसा कि मैं अगर सब कमेंट पढ़ने लगा तो ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने बस एक ही इंसान का कमेंट पढ़ के आप लोगों को सुनाया या फिर उसका रिप्लाई दिखाया। आप लोगों का अगर पूरा कमेंट पढ़ना है तो आप लोग मेरा रील पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जाकर मेरा ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। कमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव आके हैं, लेकिन मैंने एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया। क्यों डिलीट नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है ये सब कमेंट सब गलत है, और लोग भी पढ़ेंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा। तो बस आज का ये जो ब्लॉग था, बस इसी के ऊपर में था। और दोस्तों जैसे कि देखिए, वो ब्लॉग बोलिए या फिर वो रील बोलिए, उस पर काफी ज्यादा अच्छा व्यूज आया, उसके लिए तो आप लोगों को यहाँ से एकदम यहाँ से अंदर से निकल के थैंक यू सो मच, एकदम दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि 200K जो होता है वो मेरे लिए कोई छोटा चीज नहीं है, क्योंकि 200,000 व्यूज कोई छोटा चीज तो होता नहीं है, किसी के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए तो काफी बड़ा चीज है ये। और यूट्यूब पे भी शायद 7,000-8,000 व्यूज अब तक आ चुका है वो ब्लॉग पे, तो उसके लिए तो आप लोगों को वन अगेन थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह ब्लॉग वीडियो देखने के लिए अपना भाई का चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तक मैं चुप रहता था।